Assalamualaikum students, I am from Anglo Arabic Higher Secondary School, class 4th, subject maths. Topic is common factors and HCF, book page number 51. HCF आपने बहुत अच्छे तरीके से निकाले, पहले common factors बनाते थे, फिर common factors देते थे और फिर HCF निकालते थे. वही सेम पैटर्न पे करना है, लेकिन अब हमारे पास 3-3 नंबर्स है. पहले हमने 2 नंबर से किया, अब हम 3 नंबर से करेंगे. अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF. कॉमन फैक्टर निकाल लें और HCF निकाल लें. पार्ट ए इज 9, 12 एंड 15. अब हमने क्या करना है, 12 के 9 के फैक्टर्स बनाने हैं, 12 के फैक्टर्स बनाने हैं और 15 के बनाने हैं. हमने सबसे पहले किसके बना लिए, 12 के फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 12 बना लिए. आप पहले बेशक 9 के बना लें, फैक्टर्स ऑफ 12 आपके पास हैं. आपने ये बहुत अच्छे तरीके से सारे किए हुए हैं क्वेश्चंस में कि आपने किस तरह से टेबल पढ़ना है और फैक्टर बनाने हैं. अब ये डायरेक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है. आपने ये पिछले क्वेश्चंस में बनाने सीखे थे. ये हमारे पास 12 के फैक्टर बनते हैं 1, 1 12 12 होता है, इसलिए हम ये बनाते हैं. 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है. तो ये हमारे पास फैक्टर बने 1 2 3 4 6 एंड 12. अब आपने बनाने हैं फैक्टर्स ऑफ 9. 9 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, 1 9 9 होता है और 3 3 9. तो हम 3 को रिपीट, हमने कहा था रिपीटेशन नहीं करनी, तो हम जो है वो 3 को सिंगल टाइम लिखेंगे. तो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 1 3 एंड 9. फिर आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ 15. 15 के फैक्टर्स बनाने हैं हमने. 15 का टेबल आपने पढ़ने, 1 15 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15. तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 1 3 5 एंड 15. अभी हमने फैक्टर्स बना लिए 9 12 एंड 15 के. अब हमने इसमें से निकालना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो सब में देखें 1 आपका कॉमन आ रहा है, तो 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया. फिर आगे देखें 2 इधर नहीं है कहीं भी, 3 आपके पास यहाँ भी है और ये भी 15 में भी है. तो हम इसको 3 को लिखेंगे. इसी तरह आगे जाएं तो 4 आपका यहाँ पर नहीं मौजूद, तो आप नहीं लिखेंगे इसे. फिर आप 6 भी देखें, इसी तरह 9 12 15 आपके नहीं है, दूसरे फैक्टर्स में 9 और 12 में नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं लिखेंगे. तो हमारे कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या बनेंगे, 1 एंड 3. अब हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. तो हाईएस्ट इसमें कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा वाला है, 3 है आपका. तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. सो हमारा HCF है 3. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट एफ है 14 49 एंड 28. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 14 के फैक्टर्स बनाएंगे. 14 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 14 ज़ार 14 होता है, तो 1 और 14 बनेंगे. फिर 2 7 ज़ार 14 होता है, तो आपके पास 2 और 7 बनेंगे. इसके अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाते, ठीक है. तो हमने हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 7 एंड 14. इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 49 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 49 ज़ार 49 होता है, तो 1 और 49 बनेंगे. और 7 7 ज़ार 49 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 7 को रिपीट नहीं करना, तो हम सिंगल टाइम लिखेंगे 7. तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 49 क्या बनेंगे, 1 7 एंड 49. नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 28 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 28 ज़ार 28 होता है, 2 14 ज़ार 28 होता है और 4 7 ज़ार 28 होता है. तो हमारे फैक्टर बनेंगे 1 2 4 7 14 एंड 28. अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स आप देखें 14 में 1, ये 1 सब में, तो 1 एक तो हमारा कॉमन फैक्टर होगा. इसके अलावा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 7 7 7, ये तीनों में है, तीनों के फैक्टर्स में 14 49 और 28, तीनों में जो है वो 7 आपका है, तो आप 7 को लिखेंगी कॉमन फैक्टर में. फिर आ जाएगा 14 देखें यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसे लिख नहीं सकते.
फिर इसी तरह से 28 को देखें तो यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। 49 इन दोनों में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या हुए, 1 और 7। अब हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ। तो इन कॉमन फैक्टर्स में से आपके पास हाईएस्ट कौन सा है, ये 7। तो हमारे पास एच सी एफ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी के बाकी पार्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने जो है वो एज इट इज जो है वो आपने करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 बुक के ऊपर, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपने जो है वो बिल्कुल फैक्टर से रिलेटेड है कि उसमें पूछा यही गया है कि कौन से इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं, तो ये आपने जो है वो बताना है। और अगर वो बनते हैं तो वो जो है वो आपने ट्रू और फॉल्स उसको देखकर जो है वो सॉल्व करने हैं जितने भी पार्ट्स दिए होंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके रिलेटेड पार्ट्स जो हैं वो आप लाजमी करेंगी और ये इसको भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगी। थैंक यू।